Hey, what's up, players? Welcome back. आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 3 और उसमें करने वाले हैं किट एस्केप। आज मैं ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को भाई बिना मारे ही जाऊंगा क्योंकि यार पिछली वीडियो में मैंने ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को इतना ज्यादा धोया था, इसीलिए देखो कमेंट्री करने के लिए सामने बैठ चुका है ग्रैंडपा। एंड भाई इसको मैंने इतना मारा था पिछली वीडियो में, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। एंड फटाफट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हम लोग दोबारा से ग्रैंडपा के हाउस में एंड फटाफट चलिए गेम को अपने शुरू करते हैं। एंड भाई साहब मैंने गेम को शुरू किया एंड ग्रैंडपा भाई साहब यहाँ पहले से मौजूद था। भाई ये पहले से कैसे मौजूद था मुझे पता नहीं यार, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। भाई ग्रैंडपा भाई तुम क्या कर रहे हो यार? अबे भाई बिना गेट खोले कैसे जा सकता है यार? ग्रैंडपा हैकर वैकर है क्या यार? भाई मैंने गेट ओपन नहीं किया एंड फटाफट से वो जाके भाग गया। मुझे देखना होगा कि ग्रैंडपा गया कहाँ। भाई कहाँ गया ग्रैंडपा? अरे भाई ओरिजिनल ग्रैंडपा यहाँ हो या लोकल हो, कैसे हो भाई? ग्रैंडपा तो कहाँ चला गया यार भाई? अबे ये तो ग्रैंडपा, अरे ग्रैंडपा नहीं यार, क्या बात है? अबे यार ग्रैंडपा गाली वाली मत दो यार, बक दूंगा बहुत गंदी गाली दूंगा, तुम शर्मा के भाग जाओगे यहाँ से। तो ग्रैनी यहाँ पे है एंड ग्रैनी क्या हाल चाल है भाई, क्या चाल? अबे भाई तू पीछे पीछे क्यों लगा है? भाई मैंने इन लोगों को छोटा कर दिया है एंड भाई ये मेरे पीछे भाई कैसे लगे? वैसे मैं अगर तेजी से भागूं तो ये मेरा पीछा नहीं कर सकते। एंड क्या बात है भाई, अबे क्या है तुम लोगों को, दिक्कत क्या है? एक मिनट मैं छोटा होकर बात, क्या दिक्कत है तुमको? अबे भाई तू ग्रैंडपा यार, तू मार खाएगा मुझसे, पक्का बता रहा हूँ मैं, मार खाएगा तू। एंड भाई ये लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं यार, मुझे अपना काम करना है हालांकि। एंड फटाफट से जो हम यहाँ पे जो है एक लगा देते हैं, क्या क्रैंक वगैरह था, इसको लगा देते हैं। अपना ब्रिज जो है वो नीचे की साइड आ रहा है एंड फटाफट से अपना काम दूसरा भी करना है। एंड ग्रैनी एंड ग्रैंडपा भाई बाद में मिलता हूँ तुमको, क्योंकि यार तुमको ठोकना तो नहीं चाहता हूँ आज मैं बहुत ही, क्योंकि गंदी तरीके से मैंने तुमको पीटा था। तो यार छोड़ो मैं तुमसे बाद में ही मिलता हूँ, चलो जाने दो ग्रैंडपा पपी। ओके तो हम आ चुके हैं, फटाफट से इसको लॉकर को खोलते हैं एंड फटाफट से जो है यहाँ पे लगा देते हैं एक, नहीं यहाँ तो नहीं है। अरे भाई तो ये मुझसे लाना पड़ेगा। ओके मैं ले आता हूँ फटाफट से। ओके गाइस तो मैं लेके आ चुका हूँ केबल एंड फटाफट से केबल को लगा देते हैं यहाँ पे एंड अपना जो है जनरेटर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना काम नहीं हो पाएगा। अरे जाओ ग्रैंडपा, तुम लोगों को बच्चा समझ के मैंने माफ़ कर दिया यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? भाई ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, फटाफट से यार मुझे आगे की साइड चलना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडी का भाई मुझे, भाई मैंने इनको छोटा कर दिया एंड लिफ्ट जो है मेरी चालू हो चुकी है तो मैं लिफ्ट से जाऊंगा। अबे भाई यार मुझे यहाँ से पहले बटन को दबाना पड़ेगा, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ लिफ्ट। आ जाओ ग्रैनी ग्रैंडपा। ओके ग्रैनी ग्रैंडपा तो नहीं आ रहे, मुझे लगता है वो लोग भाग के गए हैं, तो शायद से वो लोग ऊपर से आएंगे, वो शायद सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे शायद से। ओके तो मैंने यार पहले लिफ्ट का कभी यूज़ किया नहीं है। अरे भाई इससे भाई कैसे निकलूँ? भाई निकलूँगा कैसे मैं यहाँ तो बंद? ओके यहाँ पे नीचे रास्ता है शायद से मुझे, हाँ ओके निकल आया। तो फटाफट से जो है अपना जो है यहाँ पे फ्यूज शायद लगाना पड़ेगा, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे फ्यूज लगाना पड़ेगा। मैंने फ्यूज को लगा दिया है लाके एंड फटाफट से जो गेट है अपना वो ओपन हो चुका है, अपना काम जो है आसान हो चुका है बिना ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को ठोके हुए। मैं यहाँ से फटाफट से जंप लगा के बाहर जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है यार उस वैसे जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वैसे मुझे ज़्यादा रास्ता वास्ता याद नहीं है इनका क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों को यार एक बात बतानी थी, बहुत ही ज़रूरी बात है यार, प्लीज़ यार एक बात गौर कर लेना यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो चैनल को यार, प्लीज़ यार कर लो ना, प्लीज़ कर लो यार। और तो मैंने ग्रैंडपा की कमेंट्री भी करवा दी एंड फटाफट से भाई मेरा गेट जो है रेडी हो चुका है एंड फटाफट से ग्रैनी, सो ए सिलेंड्रीना तेरे मम्मी पापा कहाँ गए भाई? अरे भाई ये भी गायब हो गई। ओके अरे नहीं आगे खड़े हो गए आके। ओके मैं चलता हूँ यहाँ से एंड भाई ग्रैनी ग्रैंडपा अभी भी छोटे दिख रहे हैं, सिलेंड्रीना उनसे बड़ी दिख रही है, मैंने इनको हमेशा के लिए छोटा कर दिया है। अब ग्रैनी ग्रैंडपा कहीं भी जाएँ हमें इससे मतलब नहीं है। और आपको ये वीडियो ऐसी लगी, वीडियो को जाके लाइक करना, नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।